सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप NCVT MIS के प्लेसमेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो आप जॉब के लिए किसी भी कंपनी में कैसे अप्लाई करेंगे, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस किस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने NCVT MIS के प्लेसमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो दोस्तों आप केवल उन्हीं कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने NCVT MIS के प्लेसमेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया हो और उन्होंने कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट पोर्टल पे अपडेट की हो कि हमें इस स्टेट के लोगों की ज़रूरत है। तो दोस्तों तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी को कितने लोगों की ज़रूरत है और किस ट्रेड के लोगों की ज़रूरत है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलना होगा, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको किसी भी कंपनी में अगर जॉब निकली हुई है तो कैसे आप सर्च करेंगे, अगर सर्च करने के बाद आपको कैसे अप्लाई करना है उस जॉब के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीधे NCVT MIS के प्लेसमेंट पोर्टल पे, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस है। अब आपको अगर जॉब सर्च करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ देख लीजिए ऊपर टैब आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट, उसके बाद आ रहा है जॉब ओपनिंग्स का, इसमें फर्स्ट है सर्च जॉब ओपनिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अगर आपको पता है कि किस कंपनी में जॉब निकली हुई है तो आप उसका नाम यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद किस ट्रेड से आपने ITI किया है या किस ट्रेड से आपको जॉब चाहिए तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप किस स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल स्टेट भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिस्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर पूरा ऑल इंडिया सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में सेलेक्ट ऑल करके, यहाँ देखिए आपने पूरे स्टेटों को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ देखिए सभी स्टेटों के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पूरा एक रिकॉर्ड फाउंड हुआ है कि प्लेसमेंट पोर्टल पे इलेक्ट्रिशियन के लिए कि ओनली सिंगल कंपनी ने जॉब ऑफर किया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ देख लीजिए 6 कैंडिडेट्स के लिए ओपनिंग दिखा रहा है। उसके सामने देखिए अप्लाई फॉर प्लेसमेंट, अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पूरी डिटेल जान सकते हैं कि किस कंपनी में, उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट नंबर है, इस पर आपको आके क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ देखिए इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट या फिर कह लीजिए उस कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है जिस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, तो यहाँ से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं सीधे करंट ओपनिंग डिटेल में। ठीक है, तो जॉब कोड आ गया इसका, रिक्वायर्ड ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ड्यूरेशन इन जो भी है 1 मंथ हो सकता है चाहे 1 ईयर हो सकता है। इसको भी अगर आपको पूरा क्लियर में देखना है तो यहाँ देखिए जॉब कोड आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमने जॉब कोड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देख लीजिए पूरा डिटेल आ गया है, जॉब टाइप कैसा है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, नंबर ऑफ अर्निंग 6 है, ड्यूरेशन 1 मंथ, रिक्वायर्ड ईयर इतना, पूरा देखिए एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है किस जगह है। ठीक है, तो ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। सैलरी जो है आपकी 6,500 के आसपास इन्होंने दिखाई हुई है, तो पूरी डिटेल इस तरह आप चेक कर पाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अप्लाई बिफोर किस डेट से पहले आपको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद यहाँ देखिए अप्लाई फॉर प्लेसमेंट, तो इस पर आपको यहाँ देखिए अप्लाई का लिंक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे
तो यहाँ देखिए अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी जब भी आपने प्लेसमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद प्लेसमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी ईमेल आईडी आपने वहाँ एंटर की है, फिलअप की है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद देखिए एंटर कैप्चा इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ टाइप करके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। उसके बाद आपकी डिटेल जो है उस एम्प्लॉयर या उस इस्टेब्लिशमेंट या फिर उस कंपनी के पास चली जाएगी, जो भी डिटेल आपने भरी होगी, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो अप्रूव करके आपको कॉल करके बुला लेगा, ठीक है। या फिर आप अप्लाई करने के बाद सीधे यहाँ देखिए कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको ईज़िली यहाँ मिल जाएगा, फैक्स नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे कि सर मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए, अगर ज़रूरत है तो। वो आपको अपने स्तर से बात करनी है, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हमारा ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।